8 नवंबर 2016 हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देश भर से 500 और 1000 के ओल्ड करेंसीज बैन कर दिए थे और इंडिया को मिले थे नए नोट्स के कुछ करेंसीज। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि सारे 2000 के नोट्स धीरे धीरे कहां गायब हो रहे हैं? आप खुद सोचिए, आपने लास्ट कब 2000 के नोट्स फिर यूज किए थे? आरबीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बैंक ने 2016 के बाद 2000 के नोट्स प्रिंट करना धीरे धीरे कम कर दिए और लास्ट 3 साल से 2000 के नोट्स की कोई प्रिंटिंग भी नहीं हो रही है। अगर आप सोचते हैं इससे हमें क्या, जो लोग ब्लैक मनी में या फिर कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं प्रॉब्लम उसी को होगा, तो आपको समझना बहुत जरूरी है। आज आपको हर महीने सिर्फ 3 ही फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन मिलते हैं और उसके बाद हर ट्रांजेक्शन में आपको 21 रुपए करीबन चार्ज किया जाता है और इंडिया में कोई भी एटीएम एक साथ 40 नोट से ज्यादा डिस्पेंस नहीं कर सकता। अगर आप हाईएस्ट डायमेंशन 500 की भी बात करें तो मैक्सिमम एक साथ 20,000 ही निकल सकते हैं। अगर किसी को 41,000 की भी जरूरत है तो मिनिमम उसको 3 ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे और उसके बाद हर ट्रांजेक्शन पे उसको चार्जेस लगेगा। तो आप खुद सोचिए, डेली लाइफ में हर बैंक एटीएम ट्रांजेक्शन के नाम पर कितने ज्यादा पैसे लूट रही है।